मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हां, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यहां उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। भारतीय उत्थान साहित्य उत्थान समिति जो अच्छा कार्य कर रही है पूरे हिंदुस्तान में, उनके कामों को मेरा प्रणाम। और मैं शुरू करता हूं सीधे सीधे के उनकी नजरों से जो उतर जाए। देखिए सभी लोग जुड़िएगा, आप कभी सम्मेलन सुनने आए हैं, ध्यान से सुनिएगा तो अच्छा लगेगा, मुझे भी। उनकी नजरों से जो उतर जाए वो गमे दिल भला किधर जाए, और उसका जीना फजूल है यारो जिस बशर का जमीर मर जाए। उनकी नजरों से जो उतर जाए वो गमे दिल भला किधर जाए, और उसका जीना फजूल है यारो जिस बशर का जमीर मर जाए। एक दादा ने कुछ दोहों के लिए कहा था एक बार, तो मैं दो दोहे सुना देता हूं। श्रृंगार की दो पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग। संयोग का एक दोहा देख लीजिए पहले, और एक वियोग का। आप दोहे के शिल्प और कथ्य पर भी जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कम से कम। अरुण अधर शुकनासिका मदिर नयन मृदुहास, सकुचाए यह छवि निरख ले रस छंद समास। एक वियोग का, हिरत नारे लोचन सजल, रत्नारे लोचन सजल, हृदयन कही पीर, बिन प्रियतम लूसम लगे शीतल मंद समीर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुक्तक, फिर एक गजल। जैसा कि तुमने भैया ने कहा, ये द्वार मन का हमारे लिए खोल दो, शुष्क मौसम में रस माधुरी घोल दो। विकास जी ध्यान चाहूंगा, द्वार मन का हमारे लिए खोल दो, शुष्क मौसम में रस माधुरी घोल दो। क्यों प्रकंपित अधर मौन ओढ़े रहे, क्या बात है भैया, क्यों प्रकंपित अधर मौन ओढ़े रहे, बात दिल में दबी अब चलो बोल दो, बात दिल में दबी अब चलो बोल दो। युवा वर्ग बैठा, उनके लिए एक मुक्तक। ये कोशिशें कीजिए फल मिले ना मिले, सबसे पहले कोशिश की, कोशिशें कीजिए फल मिले ना मिले, मुश्किलों का तेरी हल मिले ना मिले, हौसलों को बनाए चलो हम सफर, हौसलों को बनाए चलो हम सफर, साथ अपनों का भी कल मिले ना। बहुत धन्यवाद। अब लगा कि आप लोग कभी सम्मेलन सुन रहे हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कि हौसलों को बनाए चलो हम सफर, साथ अपनों का भी कल मिले ना मिले। अब
पे आता हूँ। चार मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूँ। दुबे तिवारी से भी कमी ना करो। सभी दुबे तिवारी चतुर्वेदियों को मेरा सलाम। और मैं शुरू करता हूँ। शुक्ला जी को छोड़ दिया आपने। चलिए ठीक है, हास्य का कोई कवि नहीं था तो इसी दौरान यही सही। ये अपनी आँखों में समंदर को सजाया हमने, अपनी आँखों में समंदर को सजाया हमने, अपनी आँखों में समंदर को सजाया हमने, एक कतरा भी मगर हाय न पाया हमने। वक्त बदला तो सभी फूल बन गए कांटे, वक्त बदला तो सभी फूल बन गए कांटे, यूं तो गुलशन को खिजाओं से बचाया हमने, यूं तो गुलशन को। बहुत बहुत धन्यवाद। एक गजल के चंद अशआर, इसके बाद मैं अपना स्थान लूंगा। बहुत सारे वरिष्ठ कवि हमारे बैठे हैं जिनको हमें भी सुनना है। आजकल के हालात पर भुवनेश्वर भैया कह रहे थे कि आजकल के हालात पर कुछ कहिएगा, तो आजकल के हालात पर एक गजल के चंद अशआर देख लीजिए। ये कैसी, अब जो वक्त चल रहा है इस समय, तमाम सारा सियासत में हमें उलझाया जा रहा है असल मुद्दों की बात छोड़कर। ये कैसी रहे गुजर पर हम खड़े हैं, ये कैसी रहे गुजर पर हम खड़े हैं, मुसलसल तीरगी के सिलसिले हैं, ये कैसी रहे गुजर पर हम खड़े हैं, अंधेरों से मोहब्बत हो गई है। आजकल का जो दौर है, अंधेरों से मोहब्बत हो गई है, उजाले आँख में चुभने लगे हैं, ये कैसी रहे गुजर पर हम खड़े हैं। शुक्रिया शुक्रिया दादा। जमाने को शिकायत हो रही है मेरे अशआर सच कहने लगे हैं, ये कैसी रहे गुजर पर हम खड़े हैं। एक आखिरी शेर और बतौर खास पूरी महफिल को, कि हमें हर तिश्नगी पहचानती है, तिश्नगी यानी प्यास, हमें हर तिश्नगी पहचानती है, कभी हम भी तो एक दरिया रहे, धन्यवाद। शुक्रिया मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हाँ, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं, ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।